सर सर एक मिनट हाँ यस यस सर थैंक यू इसको सैप्लिंग पायर बोलते हैं सैप्लिंग पिलर ये बहुत स्पंदन हो रहा है उसका ये रिकॉर्डिंग कर रहा है और इसके बाद जो भी इसमें होगा ये मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल पल्स में करके डाटा एक्वायर सिस्टम में वहाँ भेज रहा है और वहाँ से करके सर ये जो सिस्टम है अर्थ का इसी चीज़ कोई भी लेयर ना हो जिसे डिफ्लेक्शन हो ये बहुत ही स्पेशल से नीचे तक लाया है जहाँ पर बेसमेंट है जैसे कोई भी अर्थ को आए तो उसके ओरिजिनल सिग्नल जो है कहीं डिफ्लेक्ट ना हो इसलिए पायल को डिजाइन किया जाता है बहुत से स्टडी करके कहाँ को बनाया जाए तो हर जगह देखने के बाद किसी द बेस्ट रूम बेस्ट प्लेस वेयर वी हैव डन सर ये यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट हम लगाए हैं ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं ये है सेस्मोग्राफ जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डॉक्टर करते हैं हाँ प्रिंट सर ये जस्ट इस टाइम करते हैं वाइब्रेशन which could give you some inclination or some but I hope इसकी कभी स्ट्रेट लाइन तो नहीं आती नहीं सो ये जब सर ऐसा है कि पृथ्वी के नीचे का भी और पृथ्वी के ऊपर का भी दोनों का ये सेंस करता है ये वैसे सो ग्लोबली पूरे दुनिया में बहुत कम जगह है जैसे किसी भी आपका वैसे इसका लेकर हमारा रूम भी जाता है इसका डिटेल है क्योंकि जब आर्टिकल की शेकिंग होती है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वो भी थ्री कंपोनेंट है दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल जिससे कि हम उसके ईसीजी के जितने व्हीकल्स आते हैं उसका एनालिसिस करके पता लगा स्मरण करेंगे तो पिछले 7-8 वर्षों में उधमपुर एक के बाद एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत से ऐसे संस्थान बनाए गए और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाए गए जैसे देविका का प्रोजेक्ट अपने तरह का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर उत्तर भारत में पहला रेडियो स्टेशन की यहाँ स्थापना हुई है पासपोर्ट ऑफिस की और उसी तर्ज पर उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये सिस्मोलॉजिकल सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है जो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो एक्टिविटी होती है जिसका कहीं ना कहीं भूकंप के साथ ताल्लुक रहता है उसे समय पर डिटेक्ट करना और उसकी सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी जो सबसे आधुनिक और संवेदनशील सेंसिटिव यंत्र है क्योंकि इस रेंज में सिस्मिक फॉल्ट्स भी पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में भी और उधमपुर में भी और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि उत्तर भारत में कुछ एक ऐसे स्थान है जहाँ पर इसको स्थापित किया जम्मू कश्मीर में तीसरा स्थान है और पूरे देश भर में लगभग 152 में से एक उधमपुर भी उस नक्शे पर शामिल हो गया और ये अब हमें मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस की जो उपयोगिता है उसके साथ साथ इसके पीछे की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको समझने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी भी आए छात्र भी आए क्योंकि इससे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह का स्थान किसी और यंत्र किसी और स्थान पर भी लग सकता था किसी पहाड़ी इलाके में किसी हिमालय इलाके में लेकिन इस विभाग ने उधमपुर का चयन किया है और मुझे लगता है कि उधमपुर के लिए विशेष एक तोहफा भी है।